हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। एक्चुअली जो आइडियल टर्म है आपने कई बार सुनी होगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब भी हम आइडियल की बात करते हैं तो लोग आइडियल के पास आकर के रुक जाते हैं, बोलते हैं आइडियल जैसा हो सकता है लेकिन आइडियल होगा ऐसा कोई नहीं कहता। तो एक्चुअली में आप ये चीज समझ लें, आइडियल एक हाइपोथेटिकल टर्म है और ये जो आइडियल टर्म है हाइपोथेटिकल, इसी आइडियल टर्म से हम लोग ले रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन भी एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन है। हम केवल इसकी एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इस तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन आजकल ऐसे सॉल्यूशन जो कि आइडियल सॉल्यूशन की तरह या उसके आसपास बिहेवियर शो करते हैं उन्हें भी हम आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की टर्म्स में बात करें, ठीक है, और हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? ठीक है, ये तो हमें पता है कि जिसका बिहेवियर आइडियल की तरह हो, लेकिन यहां हम राउल्ट्स लॉ के रेफरेंस में बात करेंगे। तो देखिए, वो सारे सॉल्यूशन, ऐसे सारे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट लॉ को हर कंसंट्रेशन पर, हर टेम्परेचर पर फॉलो करें, ऐसे सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की रेंज पर जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करे उसे आप आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की रेंज से क्या मतलब है? अगर आप टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत डिक्रीज कर रहे हैं, या कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, हर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, हर चेंज ऑफ टेम्परेचर पर अगर वो राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। हमने प्रीवियस वीडियो में राउल्ट्स लॉ की स्टडी की थी, तो आपने उसमें ये पढ़ा था कि राउल्ट लॉ में क्या था, देखिए आपने पढ़ा था कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है, ये आपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था। साथ में आपने ये भी पढ़ा था कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, तो ये राउल्ट लॉ को ही एक्सप्लेन करता है। हम यूं कह सकते हैं किसी कंपोनेंट सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है उसकी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये राउल्ट्स लॉ था। तो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है उसे आप बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशंस भी दी गई कि अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को ये कंडीशंस जरूर फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, समझते हैं। देखिए, कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पहली कंडीशन की बात करें, जब आप दो कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट से मेरा मतलब है दो अलग अलग सब्सटेंस जिनसे मिलकर के सॉल्यूशन बनेगा, ठीक, अगर उन दोनों कंपोनेंट को मिलाते हैं तो मिलाने पर उन दोनों कंपोनेंट के अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम एट मिक्सिंग, मिक्स करते समय उसके वॉल्यूम में चेंज जो है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। इस बात को समझे आप ध्यान से, देखिए जैसे आपके पास 50 ml एक सॉल्यूशन है, 50 ml दूसरा सॉल्यूशन है, या दो कंपोनेंट्स हैं, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अब जो नया सॉल्यूशन है आपके पास, इट शुड बी 100 ml, 100 ml होना चाहिए इसका वॉल्यूम, नहीं तो 100 ml से कम होना चाहिए, नहीं 100 ml से ज्यादा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, डेल एच मिक्सिंग, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं। देखिए डेल एच मिक्सिंग से क्या मतलब है? डेल एच मिक्सिंग से मतलब है, पहले तो डेल एच को समझना जरूरी है, ये आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है। एच क्या होता है? इट इज एंथैल्पी। एच क्या है आपके पास?
एंथैल्पी, एंथैल्पी को डिनोट करते हैं, ठीक है, और डेल एच लगा देते हैं, दैट मींस क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी। तो यहां मेरा कहने का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट को मिक्स करते समय जो एंथैल्पी में चेंज है इट मस्ट बी जीरो, वो जीरो होना चाहिए। तो अब यहां मेरा कहने का मतलब जब आप दो कंपोनेंट को आपस में मिला रहे हैं, दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर उसमें एंथैल्पी में चेंज नहीं हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एंथैल्पी में चेंज नहीं हो रहा है, देखिए अगर दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, सुनना, टेम्परेचर बढ़ जाता है दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है और एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है और एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही प्रोसेस नहीं हो जब आप दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं, न तो एंथैल्पी बढ़े और न ही एंथैल्पी घटे, दैट मींस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। तो व्हाट आई मीन टू से इज व्हेन यू मिक्स टू कंपोनेंट देयर शुड बी नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एंथैल्पी में चेंज भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई, एंथैल्पी में चेंज भी नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन अपन यू देख सकते हैं जो अभी अपन ने बताई, इट शुड फॉलो द राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, शुड फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें। अब क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो राउल्ट्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जैसे पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए होना चाहिए, ठीक है, या पी बी के लिए देखें तो पी बी इक्वल्स टू एक्स बी, सॉरी पी नॉट बी एक्स बी होना चाहिए, या फिर दोनों कंपोनेंट को मिला रहे हैं आप पी ए प्लस पी बी, यानी कि दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, कहें कि टोटल प्रेशर दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होना चाहिए, तो उससे हम कहेंगे कि वो कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको आप पहली कंडीशन भी ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन ये हो गई है। फोर्थ कंडीशन समझना गौर से, फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है जब आप दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं, गौर से समझना बड़ा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, एक कंपोनेंट को हम ए कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट को हम बी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को मिलाते समय देखो, मिलाने से पहले पार्टिकल्स के बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स थी, और मिलाने के बाद एक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स आती है। तो हम यहां बात कर रहे हैं, देखिए इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए कंपोनेंट के बीच की इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स और बी के बीच की इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इट शुड बी इक्वल, ये बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए एंड बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ए और बी के बीच के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इसको यूं समझे आप एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आपने अल्कोहल और वाटर को मिलाया, तो देखो मिलाने से पहले वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक क्या था, अट्रैक्शन फोर्स थी, और अल्कोहल और अल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स थी। जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो अब नई फोर्स किसके बीच में, वाटर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो पुरानी फोर्स, ठीक है, और नई वाली फोर्स दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों के बॉन्ड की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो क्या है, वो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये चार कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है हमारा सॉल्यूशन तो हम उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर इनको फॉलो नहीं कर रहा है दैट मींस इट इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। अब आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो फिर उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले एक चीज और हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, आइडियल तो नहीं होता एक्यूरेटली बट लगभग आइडियल की तरह बिहेव करता है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लें। ऐसे सभी सब्सटेंस जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में लगभग एक जैसे होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलता है, ऐसे कंपोनेंट्स का जो सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना, वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। जैसे एन हेप्टेन एन हेक्सेन, ठीक है, एग्जाम्पल देख रहा हूं मैं,
एनहेप्टीन एंड एनहेक्सीन, इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एनहेप्टीन में भी आपके पास 7 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है और इसमें भी 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, मतलब इस तरह से हो जाएगा ना, एन और हेप्टेन 7 कार्बन है, C7 और H16, और यह क्या हो जाएगा N C6H14, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इनका सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, आइडियल होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड C2H5Br एंड C2H5I, दोनों में इथाइल सेम है और हेलोजन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इनका जो शेप है वो लगभग लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। इस तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे बेंजीन टोलुइन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनके शेप लगभग आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तो वो आपस में मिलाने पर आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। आगे चले, चलिए अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। देखिए हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है, ऐसे सारे सॉल्यूशन जो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करते हैं। अब आइडियल बिहेवियर से डेविएशन का मतलब आइडियल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है। अब ऐसे में दो कंडीशन हो सकती है, कि सॉल्यूशन ऐसा हो जो आइडियल से पॉजिटिव डेविएशन शो करे, ऐसा भी हो सकता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करे। मतलब जैसे हमने कहा कुछ में वॉल्यूम, जैसे आइडियल में तो वॉल्यूम इक्वल रहना चाहिए जब दो कंपोनेंट को मिलाते हैं, तो कुछ में ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम बढ़ जाए यानी पॉजिटिव डेविएशन, कुछ में ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम घट जाए नेगेटिव डेविएशन। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है नॉन आइडियल, आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और यहां पर नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो नॉन आइडियल तो हमें पता है ना क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ये मतलब दो तरह से नहीं करेगा, एक तो नेगेटिव डेविएशन शो करके और एक पॉजिटिव डेविएशन शो करके। तो पहले हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन, दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। देखिए हमने पढ़ा था कि राउल्ट के लॉ को फॉलो करें, तो इसका मतलब अगर डेविएशन शो कर रहा है तो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए या पी बी इज ग्रेटर देन पी पी नॉट बी एक्स बी, या कहें कि पी टोटल जो है इट शुड बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो यहां पर राउल्ट का लॉ फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो ये राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके मतलब ये क्या है, ये डेविएशन शो कर रहा है और वो भी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ए का जो आपके पास वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो इन दोनों के प्रोडक्ट से ज्यादा है, बी का भी इससे ज्यादा है, टोटल भी ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए होगा, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी होगा, और पी टोटल विल बी लेस देन पी नॉट सॉरी पी ए प्लस पी बी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे हमने कहा कि यहां पर जब इंक्रीज हो रही है चीजें, यहां डिक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या है, डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, ये भी राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन देखें, चलो वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम में हमने क्या पढ़ा था, देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि डेल वी मिक्सिंग इक्वल्स टू जीरो, तो किसके लिए था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और नॉन आइडियल के लिए क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब नॉट इक्वल्स टू जीरो में भी हम यहां देख रहे हैं कि नॉन आइडियल में ये नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला है, इसका मतलब अब जीरो से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है तो ज्यादा होना चाहिए,
तो जीरो से ज्यादा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इट शुड बी डेविएशन जो है वॉल्यूम में जो चेंज है इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस चीज को बड़े गौर से सुनना, जैसे मान लीजिए आप वाटर में अल्कोहल को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो मिक्स करने पर बनने वाला जो सॉल्यूशन है ना, जैसे मान लो हमने ये 100 ml ले लिया, ये 100 ml ले लिया, और बनने वाला जो सॉल्यूशन है सपोज वो 201 ml हो गया, तो 1 ml बढ़ गया इसका वॉल्यूम दोनों को मिलाने पर, तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो दैट मीन्स वो कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कि दो कंपोनेंट को मिलाने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखें, अगर मान लीजिए हमारे पास आता है डेल वी मिक्सिंग, मतलब दो कंपोनेंट को मिक्स करने पर चेंज इन वॉल्यूम, और ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब नेगेटिव से मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम व्हाइल मिक्सिंग इज नेगेटिव, मतलब कम, यानी वन से भी कम, यानी जब आप दो कंपोनेंट को आपस में मिलाएंगे तो इनके वॉल्यूम में जो चेंज है वो नेगेटिव हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 100 ml ये मिलाया, ठीक है, वाटर लिया और 100 ml आप इसमें एसिड मिला दो, तो मिलाने पर इसका वॉल्यूम जो है 100 ml मिलाया 200 होना चाहिए, लेकिन ये सपोज 199 ml हो गया, तो यानी कम हो गया, कम हो गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर थ्री, ठीक, इसमें ध्यान रखना, ये पॉजिटिव से क्या, मेरा कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और ये नेगेटिव से क्या मतलब है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, डेल एच मिक्सिंग, मतलब जब हम दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करते समय चेंज इन एंथैल्पी जो है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, और इसमें चेंज इन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, मिक्स करते समय चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए। अब ये चीज बड़ा ध्यान से समझना आपको ना, कि चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है और कैसे होती है। देखिए, अगर हम वाटर में अल्कोहल को ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर में अल्कोहल को ऐड करते हैं, और उससे पहले हम मान लें कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी, तो ध्यान रखना एंथैल्पी बढ़ने से मेरा मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन का होना, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ध्यान रखें जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो जब टेम्परेचर को या हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस, तो जो कंटेनर है उस कंटेनर के चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमें ठंडा महसूस होगा। तो टेम्परेचर जैसे 25 है तो हो सकता है 24 डिग्री सेल्सियस हो गया, और 24 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसका मतलब टेम्परेचर घट गया। तो ध्यान रखना है कि जब आप डेल एच मिक्सिंग मतलब दोनों कंपोनेंट को मिला रहे हैं और एंथैल्पी जो है वो बढ़ रही है, तो एंथैल्पी कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बच्चों में मिसकंसेप्शन होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान रखना टेम्परेचर घटता है। और डेल एच मिक्सिंग नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव का मतलब एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, एंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब एनर्जी डिक्रीज होना, और एनर्जी डिक्रीज होना मतलब एनर्जी का बाहर निकलना, और अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जो निकलने वाली हीट है वो कंटेनर के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। जब आप हाथ लगाएंगे उस कंटेनर को तो आपको कंटेनर गर्म महसूस होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल एच मिक्सिंग नेगेटिव है, टेम्परेचर अगर इन डिक्रीज हो रहा है तो डेल एच मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। अब नंबर फोर, अब हम फोर्स की बात करते हैं। आपने एक चीज गौर करी यहां पर, जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है इसमें पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को मिल रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन में हमने कहा था वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम एक्चुअली बढ़ता कब है, जरा सोचो वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब आप दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं और दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो नई फोर्स है उसके पार्टिकल्स के बीच के जो बॉन्ड है वो पहले से वीक हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, देखो मैं इस तरह से ले रहा हूं कि ए ए यानी ये हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसके पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन फोर्स है, एंड ये दूसरा है बी बी, ये दूसरे कंपोनेंट के बीच की इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है। अब ये वाली जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ध्यान रखना, तो ये तो स्ट्रांग थी, लेकिन जो नई फोर्स अब आई है दोनों को मिलाने के बाद में वो ए और बी आ गई है, ठीक है ना। यानी आपने ए को बी में मिक्स किया तो नई फोर्स कौन सी होगी, ए और बी के बीच में हो गई, तो
तो अगर ए और बी वाली फोर्स वीक है तो इसका मतलब ए और बी के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ गया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यानी जो नई अट्रैक्शन फोर्स है वो पहले वाली अट्रैक्शन फोर्स से कंपैरेटिवली वीक होती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, देखो इसके अंदर कि ए ए पार्टिकल्स एंड बी और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज वीकर, और जो नई अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्गर। तो ए और बी के बीच में बनने वाली जो फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो पार्टिकल को पास पास ले आएगी, पास पास ले आएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि जो नई फोर्स एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस में आती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला। अब इनके एग्जांपल की ओर बात करते हैं हम थोड़ा सा। देखिए वैसे तो मैंने एक एग्जांपल वहां ले लिया था, तो देखो अगर हम वाटर को अल्कोहल में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर जो है वो हमेशा कैसा डेविएशन शो करेगा, वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। दोनों को मिलाने पर जो आपके पास वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा H2O प्लस CH3OH मिथाइल अल्कोहल, वाटर और मिथाइल अल्कोहल, मतलब अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर है वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले और भी हमारे पास में सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे क्लोरोफॉर्म और इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, CHCl3 प्लस C2H5OH, ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं टोलुइन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 और टोलुइन, C6H5CH3, ठीक है ना। तो और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने चार ही एग्जांपल लिखे हैं, तो इनको जब आप आपस में मिलाएंगे तो बनने वाले सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। नई फोर्स जो है वो पुरानी फोर्स के कंपेरिजन में वीक होगी, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल भी कौन सा, जो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेगेटिव से मेरा मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए मिलाने पर। आपको ध्यान है कभी आप जब पानी में थोड़ा सा H2SO4 मिलाओ तो क्या होता है, गर्म होता है कि ठंडा होता है, गर्म हो जाता है, वही हम बता रहे हैं। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी वाटर में जब आप एसिड को मिक्स करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि वो कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन, एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से H2O प्लस HCl हो सकता है, H2O प्लस HNO3 हो सकता है, मतलब ध्यान रखें एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर को मिक्स कर दें तो इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरह का डेविएशन शो करेगा, वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाया जा सकता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और C2H5, ठीक है, इसको ले सकते हैं अपन, ये कीटोन एक तरह का। इसके अलावा वो देख सकते हैं आप, जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ले सकते हो, वापस से क्लोरोफॉर्म और ये एसीटोन ले लिया हमने, CH3COCH3, ठीक है। ऊपर वाला जो एग्जांपल है बेटा ध्यान रखना ये एसीटोन नहीं है, कीटोन तो है लेकिन एसीटोन नहीं है, इसको आप क्या बोलेंगे, मेथ, पांच कार्बन है, मेथेज प्रॉप ब्यूट पेंट, तो पेंटेनॉन है ना, ये ध्यान रखना ये पेंटेनॉन है, तो पेंटेनॉन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, तो इनका जो मिक्सचर होगा ध्यान रखना वो हमेशा किस तरह का सॉल्यूशन शो करेगा, किस तरह का डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो इनको आपस में मिलाने पर हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। और इनको आपस में मिलाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है कि इनका ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और होता है, कि आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफ से किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, उस चीज को और देखते हैं, ठीक है, फिर हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर रहे हैं अभी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो इसको कर्व भी कह सकते हैं अपन, तो और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। पहले आइडियल सॉल्यूशन के लिए लेते हैं, उसके बाद अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए लेंगे। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एक ब्लॉक बना देते हैं, ये हमने एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है।
और यहां पर हम दो चीजें लेते हैं, एक तो मोल फ्रैक्शन लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये नीचे मोल फ्रैक्शन को शो कर रहा है पूरा, और ये वाला जो एक्सेस है ये शो कर रहा है किसको, वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर को शो कर रहा है। चलिए अब देखिए, यहां मैं ले रहा हूं एक्स ए की वैल्यू और एक्स बी की वैल्यू, ठीक है, यानी ए के मोल फ्रैक्शन है और बी के मोल फ्रैक्शन है। सिमिलरली यहां भी मैं ले रहा हूं एक्स ए की वैल्यू और एक्स बी की वैल्यू, ठीक है, ओके। अब जरा समझते हैं अपन, अगर मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं कि एक्स ए की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपने पढ़ा था कि एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 होता है। अगर मैं एक्स ए की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो एक्स बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां क्या आएगा, एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको समझना, यहां इसका मतलब है कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन अगर 1 है यानी मैक्सिमम है, तो कंपोनेंट बी के यहां पर मोल है ही नहीं, उसका मोल फ्रैक्शन 0 आ रहा है। सिमिलरली यहां पर अब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं मान रहा हूं कि यहां बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं और ए के कम होते जा रहे हैं, और यहां आते आते हमारे पास में ए 0 हो गया और बी जो है वो 1 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को, कि जैसे जैसे आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो वैसे वैसे आपके पास ए बढ़ता जाए और बी जो है वो सॉरी ए कम होता जाए और बी इंक्रीज होता जाए। तो उसके लिए अपन किस तरह से ग्राफ बनाएंगे देखें, तो यहां पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं और समझते हैं इस चीज को। अब एक चीज देखिए आप, यहां मैंने एक्स ए लिखा है, एक्स ए मतलब ए का मोल फ्रैक्शन। अब बताओ ए की वजह से जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, पार्शियल जो वेपर प्रेशर लगेगा उसको मैं यहां शो कर रहा हूं, सपोज उसको मैंने यहां पर ये शो कर दिया है पी ए। तो ध्यान रखना यहां पर अपने पास केवल ए कंपोनेंट है, तो आपको ध्यान होगा हमने कहा था कि अगर केवल कोई एक ही कंपोनेंट है प्योर फॉर्म में है तो उसके लिए हम वेपर प्रेशर के लिए क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पी नॉट ए लिखूंगा, क्योंकि यहां पर केवल एक ही मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यहां पर देखना है वेपर प्रेशर, ठीक है, तो यहां पर ए का तो 0 है, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा, बी का। तो प्योर फॉर्म में बी का वेपर प्रेशर मैंने ये लिख दिया पी नॉट बी। अब समझ में ना, मैंने नॉट क्यों लिखा है, मैंने नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर केवल बी ही है, इस लाइन पर केवल बी के पार्टिकल्स हैं, ए के तो है ही नहीं है, तो 0 है। सिमिलरली वहां पर आपके पास ए है, बी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक काम करें, इसे यहां इससे मिला देते हैं लाइन को, ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। अब थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को, जैसे जैसे मैं यहां से आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, समझना मेरी बात को, है ना, यहां बी 0 है और मैंने कहा जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो वैसे वैसे बी के जो मोल फ्रैक्शन है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, बी के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होंगे। तो अगर यहां मुझे किसी भी टाइम पर सपोज बी के मोल फ्रैक्शन लिखने हैं, तो सॉरी बी का वेपर प्रेशर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, पीबी से लिखूंगा, पीबी का मतलब बी का पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होगा, ये अपन राउल्ट्स लॉ में देख चुके हैं। मेरी बात को समझना, मैंने यहां पी बी क्यों लिखा, पी बी इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर इस यहां से लेकर के यहां तक इस पूरी लाइन में बीच में केवल ऐसा नहीं है कि हमारे पास में ए ही है या बी ही है, इसमें दोनों प्रेजेंट है। तो अगर मिक्सर के अंदर किसी एक पार्टिकल का अपन वेपर प्रेशर देखते हैं तो उसे अपन पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं, तो बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो है पीबी, और जो किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी एक्स बी, जो हमने राउल्ट्स के लॉ में पढ़ा था, ठीक है। सिमिलरली आप यहां से इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ और यहां पर देखो ए आपके पास 0 है, जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो तो ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं और यहां आते आते 1 हो गए, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए और एक्स ए, यू लिखा जा सकता है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए लिखा जा सकता है, यानी यहां पर इस पूरी लाइन पर आपके पास ए का जो वेपर प्रेशर है वो पार्शियल फॉर्म में होगा, इस लाइन पर बी का जो वेपर प्रेशर है वो पार्शियल फॉर्म में होगा। अब यहां से और यहां इसके बीच में अगर हम देखें तो ये तो यहां पर तो केवल प्योर ए है, यहां पर केवल प्योर बी है, इसका वेपर प्रेशर है, लेकिन बीच में तो दोनों ही है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी टोटल लिख सकता हूं, पी टोटल हमेशा किसके इक्वल आएगा, पी ए प्लस पी बी के, यानी ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। तो ये जो मैंने बनाया है यहां पर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको कहा जाए कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको कर्व ड्रॉ करना है मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में दो कंपोनेंट के लिए या बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ करें, ठीक है,
तो इसी में थोड़ा सा चेंज करके हम इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक बार नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और नॉन आइडियल में भी सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो इसके लिए कर्व बनाना है, तो अब एक छोटा सा काम करना है। देखो हमने पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन में सब चीज इंक्रीज हो रही थी, पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए से ज्यादा थी, है ना, और डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू जीरो से ज्यादा थी, डेल वी मिक्सिंग की वैल्यू जीरो से ज्यादा थी, तो सब ग्रेटर में है। तो यहां पर आपको करना क्या है, बस इतना सा करना है कि थोड़ा सा ग्राफ को चेंज करना है। अभी फिलहाल ये आइडियल के लिए है, अब अगर मैं नॉन आइडियल के लिए बनाता हूं तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ को इस तरह से ऊपर की तरफ कर्व देंगे आप, ठीक है, ऊपर की तरफ कर्व देंगे, ठीक। और क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन थी वो आइडियल के लिए थी, तो इसको आपको अब हाईलाइट नहीं करना ना, इसको तो आप डॉटेड कर दो, इस लाइन को डॉटेड से शो कर दो। अब ये क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और वो भी जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है उसके लिए। अभी इसमें एक चीज और चेंज करना है हमें, क्या, जो हमने यहां पर इक्वेशन लिखी है इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, देखिए इस तरह चेंज करेंगे, ये इक्वल तो आइडियल के लिए होता है, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होता है, पीटी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी पढ़ा था हमने, सिमिलरली पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, यही पढ़ा था हमने। तो अब ये जो हमारे पास में डायग्राम है, दैट इज परफेक्ट डायग्राम ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। अब ये तो किसके लिए हो गया, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब इसी डायग्राम को थोड़ा चेंज करें और नेगेटिव डेविएशन के लिए करें, तो नेगेटिव डेविएशन के लिए जो कर्व हमने ऊपर की तरफ लिया है उसको आपको कहां ले लेना है, डाउनवर्ड ले लेना है, क्योंकि नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, पॉजिटिव है तो अपवर्ड, और आइडियल है तो स्ट्रेट लाइन, सिंपल सा है। देखिए अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं, नेगेटिव डेविएशन, इसको भी कर्व को हटा देते हैं, ये लो जी इसको हमने यहां से रिमूव कर दिया है, और अब इस कर्व को मैं डाउनवर्ड बना रहा हूं, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से ये कर्व डाउनवर्ड आ जाएगा। अब ये डाउनवर्ड कर्व जो है ये किसको शो कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन को। लेकिन इस इक्वेशन को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नेगेटिव में क्या पढ़ा था, नेगेटिव में हमने पढ़ा था कि जो पी टी की वैल्यू है इट इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, साथ ही साथ पी बी की वैल्यू जो थी इट वॉज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी ए की वैल्यू क्या थी, लेस देन पी नॉट ए एक्स ए। तो ये नेगेटिव डेविएशन के लिए हमारे पास डायग्राम हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन के लिए किस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, दोनों उस तरह के सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ओके, ये टॉपिक क्लियर है। फिर अपन देखेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए अब देखते हैं एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी टर्म है, पहले एक बार इसको अपन मोटे तौर पर समझ लेते हैं, फिर इसको हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए अगर हम दो कंपोनेंट्स को जिनका बॉइलिंग प्वाइंट डिफरेंट है उनको आपस में मिक्स कर देते हैं, और दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो आपके पास बनने वाला मिक्सचर है या बनने वाला सॉल्यूशन है उसको बॉइल करें, और आप ये देखें कि उसका जो बॉइलिंग प्वाइंट है वो अब कांस्टेंट है या नहीं है, दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद बनने वाले मिक्सचर का बॉइलिंग प्वाइंट कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, और वो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल होना स्टार्ट हो जाए बिना अपने कंपोजिशन को चेंज किए हुए, तो ऐसे मिक्सचर को या सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है ना। तो इसको आप डिफाइन करते हैं, हम देखिए किसे कहेंगे, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स का वो मिक्सचर विच बॉइल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो कि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल होगा, लाइक अ प्योर लिक्विड, एक प्योर लिक्विड की तरह, एंड पजेस सेम कंपोजिशन, और अपनी कंपोजिशन को भी सेम रखेगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, अपने कंपोनेंट की कंपोजिशन को चेंज रखेगा, मतलब सॉरी कॉन्स्टेंट रखेगा लिक्विड में भी और वेपर फेज में भी। मेरा कहने का मतलब है जैसे आप वाटर को और एल्कोहल को मिलाए एक फिक्स रेशियो के अंदर और फिर उसको बॉइल करें और बॉइल करके देखें कि लिक्विड के अंदर भी उसके अंदर वाटर और एल्कोहल आपस में कंबाइन फॉर्म में थे
और वेपर फॉर्म में भी दोनों की कंपोजिशन ऐसी कैसी रहेगी, ये नहीं कि भाई अल्कोहल जो है वो कोई दूसरा कंपाउंड बना लेगा या वाटर कोई दूसरा कंपाउंड बना लेगा, आपस में रिएक्शन कर, रिएक्शन नहीं करेंगे, दोनों वाटर और अल्कोहल ही रहेंगे, लेकिन दोनों एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल होना स्टार्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एक्चुअली में ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं कि जब आपने दो कंपोनेंट को मिक्स किया है तो हो सकता है कि दोनों कंपोनेंट से बनने वाला मिक्सचर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। इसके बेस पर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो नाम से ही पता चल रहा है मिनिमम बॉइलिंग, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन दैट ऑफ कंपोनेंट बाय विच इट इज फॉर्म्ड। यानी दो कंपोनेंट को मिला करके जब हम किसी मिक्सचर को बनाते हैं तो उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाता है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जैसे अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए कि पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशन होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, वो इस तरह का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, जैसे वाटर और एल्कोहल। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है देखो 373.15, एल्कोहल का कितना है 351.3 केल्विन, और इसका हम 4.5% लेते हैं, इसका 95.5% लेते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं। ध्यान रखना ये कंपोजिशन जो है इनका फिक्स होना चाहिए, इनका रेशियो फिक्स होना चाहिए, फिक्स रेशियो में जब आप इनको मिलाएंगे और फिर बॉइल करके देखेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 351.1 केल्विन हो जाएगा, जो कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, ठीक है। तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया है, 351.1 केल्विन हो गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके अब आगे चले, देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मैक्सिमम हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कंपोनेंट बाय विच इट इज फॉर्म्ड, और इट इज फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ लिक्विड विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी जो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो इस तरह का, ध्यान रखना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। जैसे वाटर और नाइट्रिक एसिड, वाटर अगर हम 32% नाइट्रिक एसिड 68% लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 373.515 केल्विन है और इसका 359 केल्विन है, दोनों को मिक्स कर दें इस रेशियो में तो जो बनने वाला मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 393.15 केल्विन होगा, जो दोनों के कंपैरिजन में ग्रेटर, यानी दोनों के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाएगा। अब देखो एक चीज यहां समझनी है हमें और कि यहां ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बना रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बना रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। देखिए हमने जब वाटर को और एल्कोहल को आपस में मिक्स किया, हमने कहा कि वो कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में हमने यही पढ़ा है कि जब दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उससे बनने वाले मिक्सचर का वॉल्यूम दोनों कंपोनेंट के टोटल वॉल्यूम के कंपेरिजन में ज्यादा होता है। वॉल्यूम ज्यादा होना मतलब पार्टिकल्स के बीच का गैप ज्यादा होना। गैप ज्यादा कब होगा, जब दोनों के बीच की अट्रैक्शन फोर्स कम होगी। ध्यान रखना अट्रैक्शन फोर्स कम होगी, वीक होगी, तो यानी इस मिक्सचर में, मिक्सचर बनाने के बाद पार्टिकल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाती है। अब बताओ आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा उसको बॉइल करने के लिए, कम देना पड़ेगा, और इसी वजह से ये मिनिमम बॉइलिंग हो गया, ठीक है। जबकि दूसरे में ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जब आप दो कंपोनेंट को आपस में मिला रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम कब होता है, जब पार्टिकल पास पास आते हैं। पास पास कब आते हैं, जब उनके बीच की फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो। अब अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो इसका मतलब उसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसलिए ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे दो कंपोनेंट को मिलाने पर, उसको कंपोनेंट का मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है, तो बताओ किस तरह का डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन है ये। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसके एग्जांपल लिखने की आई थिंक और ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जांपल हमने
नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन में देखे थे वो सभी एग्जांपल इसमें आ जाएंगे, और जो नेगेटिव में देखे थे वो इसमें आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्लियर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।